सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने जिलावासियों से श्रमदान में सहयोग करने की अपील की। बुरहानपुर में ताप्ती नदी के जल को सहेजने एवं जल संरक्षण के महत्व को समझाते हुए राजघाट पर बोधि बंधन कार्य निरंतर रूप से जारी है। इसी कड़ी में आज खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने ताप्ती नदी राजघाट पर जैनाबाद पुल के पास बोरी बंधन कार्य में श्रमदान किया। सांसद ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि जल संरक्षण के महत्व को समझते हुए जिला प्रशासन द्वारा बोरी बंधन कार्य को सफल बनाने के लिए आप आगे आकर सहयोग दें। उन्होंने जिलावासियों से आग्रह किया कि आप सभी के सहयोग से हम ताप्ती नदी के जल को सहेजने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जल की एक एक बूंद का सदुपयोग हो सके। इससे आगे भी जलपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी तथा ग्रीष्मकालीन समय में जलपूर्ति निर्बाध रूप से हो पाएगी। खंडवा लोकसभा सांसद ने कहा कि बोरी बंधन कार्य शासन प्रशासन एवं जन सहयोग के माध्यम से पानी रोको अभियान के तहत प्रारंभ किया गया है। यह हमारे जीवन में जल के महत्व को प्रदर्शित करता है। यह कार्य सराहनीय है। जन सहभागीदारी से यह कार्य पूर्ण किया जाएगा। इससे जल के स्तर में भी वृद्धि होगी। बुरहानपुर और आसपास गांव की जनता से आग्रह करूंगा कि जो ताप्ती नदी पर बोरी बंधान का कार्य चल रहा है उस कार्य के लिए सभी लोग तन मन और धन से सहयोग करें ताकि एक एक बूंद का पानी का सदुपयोग हो और पानी रुकेगा तो ये हमारे भविष्य के लिए ही काम में आएगा। इससे पानी रुकने के कारण वाटर लेवल बढ़ेगा और हमको आने वाले गर्मी में किसी प्रकार की कोई परेशानी पानी को लेकर नहीं रहेगी। इसलिए सब जनता से अपील करना चाहता हूँ, सारी सामाजिक संस्थाओं से अपील करना चाहता हूँ कि आप आइए और अपना अपना सहयोग देकर इस बोरी बंधान को सफल बनाइए।